अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY ZAP अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY ZAP डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arwizap.com। ये कैसी तेरी खुदगर्ज़ी। ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना बेटा, लोग कहते हैं कि ये बोलते नहीं है किसी मामले में, आवाज उठाना नहीं जानते, इसीलिए पिसते हैं। लेकिन मेरा मानना पता है क्या, ये कुछ बोलेंगे भी ना तब भी लोग इन्हें जीने थोड़ी देंगे। मुझे करवा लें आप चुप। आपके भाई की बेटी बड़ी पहुंची हुई चीज है। आज उस रईस जादे के घर वाले आए थे रिश्ता मांगने। क्यों झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो तो आज ही मर जाओ, अपनी आंखों से देखा। ये कैसी तेरी खुदगर्ज़ी। अब क्या इस ताले से बात करूं शराफत से? मैं टाइम जाया किया तुमने मेरा, मैं खुद आता इनको लाइन पे ले आता। मैं भाई मुझे क्या मालूम ताला लगा के चले जाएंगे ये लोग। भाई कहां जा रहे हो? अरे यार आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। क्या कर रहे हो? बैरे नहीं है हम। इंतजार करने की आदत मुझे भी नहीं है। ओ भाई माफ कर दे यार, किस गुनाह की सजा हो तुम? मैं बहुत गुस्से में हूं, गौर से सुनो क्या कह रहा हूं। कहां गए ये लोग? कौन लोग? मैं के घर पे ताला क्यों लगाए? मैं के घर पे ताला? मुझे नहीं पता। तो फिर क्या मुझे पता है कहां गए? झूठ से नफरत है मुझे, सच सच बताओ कहां गए? देख भाई ये तेरे सामने हाथ जोड़ा, ये तेरे पैर पकड़ लो, मुझे नहीं पता कि वो लोग कहां गए। और अगर यकीन नहीं आना तो मान लो मुझे, यही कर सकते हो ना, मान लो। और अच्छा हुआ चले गए। और यकीन करना कि अगर मुझे पता भी होता ना तो कभी नहीं बताता। अब जो तुम्हारा दिल चाहे वो कर लो। तुम लोग को परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है, ये भी तो तुम्हारा अपना घर है। तो जाहिर सी बात है, मुश्किल वक्त में अपने काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? उसने जिंदगी को इतना मुश्किल बना दिया था कि कोई रास्ता ही नहीं सोचता था, नहीं घर में मुकीद होकर रह गए थे। और उसके बाद हर लम्हे बस यही धड़का लगा रहता था कि किसी भी वक्त वो दंदनाता हुआ हमारे घर में घुस आएगा। अब तुम लोग कुछ अरसा अपने घर जाने की बिल्कुल भी मत सोचना। महक और नीता यहाँ पे रहेगी तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। आगे का जो भी होगा ना हम बाद में सोच लेंगे। शुक्रिया। रुको मैं देखता हूँ। नहीं आप बैठे, राइडर होगा, ऑर्डर लेने आया हूँ। वैसे अच्छी मसरूफियत बना रखी है तुम्हारी बहन ने, इसमें कोई शक नहीं है कि इसके हाथ में बहुत जायका है, तभी तो धड़ाधड़ ऑर्डर मिलते हैं। माशाल्लाह। बड़ा अच्छा केटरिंग बिजनेस चल रहा है रमापी का, घर में खाना बनाती हैं, फिर डिलीवर करवा देती हैं। अच्छी मसरूफियत हो जाती है, आमदनी भी अच्छी है। नहीं दिए, ये सब के फोन हैं जो मैंने बंद करके रख दिए। मैं नहीं चाहता कि वो यहां तक पहुंचे। ठीक है मैं रख लेती हूँ, आप बेफिक्र हो जाए।
क्या बात है बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? यहां मेरे पास, यहां बैठो। हाँ बोलो। ओह बाबा, आपने मुझे लीव एप्लीकेशन लिखने को कहा था ना, मैंने लिख दिया। हाँ ये मैंने भी लिख दिया और साइन भी करती है। तुम ये बख्तियार अंकल को दे दो, वो सुबह जाते हुए यूनिवर्सिटी दे देंगे। ठीक है, लेकिन लीव एप्लीकेशन सब तो ठीक है बाबा, पर दो दिन बाद इंदा के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, वो देना इम्पोर्टेंट है। हाँ मेरा बच्चा, लेकिन सेंटर तो किसी और कॉलेज में पड़ेगा ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? इतना बड़ा शहर है, वो हर जगह नहीं पहुंच सकता। तुम्हें यहाँ कोई तंग नहीं करेगा महक। जाके आराम कर। गुड नाइट। ये अब तक खुद को कसूरवार समझ रही है, इसकी तो मुस्कुराहट भी बदल गई। अकरम, इतने से वक्त में इतना सब कुछ सहज हो लिया इसने। उस दिन हिम्मत करके बोल तो गई थी, लेकिन बाद में बहुत डर रही थी। कुछ वक्त लगेगा, हो जाएगा नॉर्मल। आपको पता है कल इसकी बर्थडे है। अरे मैं तो बिल्कुल ही भूल गया, याद ही नहीं। हाँ कुछ याद रहेगा इस अफरा तफरी में। खैर मैं सोच रही थी कि बाहर तो निकल नहीं सकते, तो घर में ही कुछ ऐसा कर लें कि चंद लम्हों के लिए ही सही मेरी महक के दिल से खौफ के साए उतर जाएं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि एक सरप्राइज बर्थडे कर लेते हैं छोटी सी, खुश हो जाएगी। जैसे आपकी मर्जी। हाँ संभालो खुद को प्लीज, तुम तो मेरी ताकत हो, मेरी स्ट्रेंथ हो, फिर सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नवाब साहब का दिलावर साहब की एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, और यहाँ तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये इंतज़ार होता है कि नवाब साहब का चेक आए तो उनकी फीसें ज़्यादा हो सके। अकरम साहब ने ये एप्लीकेशन कब दी आपको? नहीं ये एप्लीकेशन अकरम साहब ने नहीं दी, ये उनके कोई अजीज़ देकर गए। आप जानते हो? जी नहीं, वो मेरे पास नहीं आए, ये उन्होंने HR में जमा करा दी थी। वैसे जो आखिरी बार उनके बारे में आपने बताया था तो मैंने इस बात का जिक्र किया उनसे, अकरम साहब से, मगर बड़ा अजीब सा बर्ताव किया उन्होंने। बल्कि वो तो ये कह रहे थे कि मैं ये चेक वापस कर दूं, लेकिन मैं उनका ख़ास ख्याल रख रहा हूँ और उनकी तरफ से फिक्रमंद होने की जरूरत है। आप चाय या कॉफ़ी लेंगे कुछ? नहीं थैंक यू। अकरम साहब से आपका रब्ता हो तो मुझे बता दीजिएगा, वो बाबा साहब को कुछ काम है। जी जरूर, ये एप्लीकेशन लेके जा रहा हूँ मैं। अच्छा ये ऐसा है कि दो दिन से तो कॉलेज पर एक्स्ट्रा क्लासेस देने के लिए आती थी, लेकिन सुबह एप्लीकेशन दिए कि अब नहीं आएगी। तुम कह रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन में तुम्हारा कोई दोस्त है, हमें ज़रूर यहाँ से कुछ मिल जाएगा फिर। वो मेरा दोस्त है शमशेर, उसके कंधे में बैठा हुआ फरिश्ता नहीं है कि पल पल की खबर होगी। ये एप्लीकेशन उसे दिए, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता वो, देख लो तुम। इसका क्या करूँगा मैं, फोन भी बंद है, घर पे भी नहीं है, यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही है, गए कहाँ है आखिर? भाई हकीकत तो यही है, जो तुमने उनके साथ किया है ना, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। गाड़ी से उतरो। क्या? मैंने कहा गाड़ी से उतरो। Thank you.
मैंने फरवा से बात की थी कि शमशेर के लिए ना हमारे क्लास और स्टेटस की कोई लड़की ढूंढते हैं। फिर फरवा ने अपनी बहन सोफिया का नाम सजेस्ट किया और कह रही थी कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी ना सोफिया राजी है और उनकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, दे आर आल्सो एक्सेप्टिंग इट। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जिस चीज के लिए फिक्रमंद हूँ वो ये है कि क्या देखा है इसने इस लड़की में जो इतना फरिश्ता हुआ फिरता है उसके पीछे। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे दूर करूं इस लड़की को इससे, कैसे। हाँ, that's a big problem. तुम जानती हो कि मेरे लिए कोई मसला नहीं है कि किसी के भी वजूद को मैं खत्म कर सकूं, जानती हो ना। बस शमशेर की मोहब्बत के हाथों मजबूर औलाद है मेरी, बेटा है मेरा। I love him. I love him. I don't want to lose him. Shamshir. जी बाबा साहब। हाँ इधर आओ। खैरियत है, ठीक तो हो? जी कुछ नहीं, सब खैरियत ही है। बेटा जब तुम बहुत कुछ करते हो ना तो सब कुछ को कुछ नहीं में तब्दील करने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ। तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान रहता हूँ मैं, और स्पेशली बहुत ज्यादा परेशान उस वक्त होता हूँ जब तुम्हारे चेहरे पे ये वाला एक्सप्रेशन होता है जो इस वक्त है। ट्रस्ट मी, शेयर कर सकते हो मेरे साथ क्या हुआ है, खैर है ना? बोलो बेटा क्या बात है। बाबा साहब वो महक घर पे नहीं है, घर पे ताला लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी भी गए हो तुम, क्या हुआ कहीं नहीं मिले? क्या आपने गुम कराया उसे? निचली सोच की लड़की के साथ रह रहे के तुम्हारे सोचने के नजरिया भी बहुत ही निचले दर्जे का हो गया है। I'm surprised. And I'm sure कि तुम अपने बाप के बारे में ऐसा कभी भी मत सोचते। ये जो यूनिवर्सिटी में तुम चेक देख रहे थे, बैंक से फोन आया था, फिर दीन से बात हुई, सारी कहानी सुनाई उसने। तुम अच्छे से जानते हो जहां भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है वहां मेरी निगाह रहती है। टू बी ऑनेस्ट मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था तुमसे कि जो भी उस लड़की के घर वालों ने तुम्हारी माँ और फरवा के साथ किया उसके बाद तुम उस लड़की का पीछा छोड़ दो, लेकिन तुम्हारे इस रवैये के बाद तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुम्हें अपने खानदान की कोई परवाह नहीं। खानदान की इज्जत अपनी जगह बाबा साहब, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, तो मेरी मजबूरी का नाम महक है। I'm sorry. एक बात और बाबा साहब, आपको अगर नजर रखनी है तो महक या उसकी फैमिली पे ना रखें, मुझ पे रखें, क्योंकि प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम आपके बेटे में है। मोहब्बत मैं करता हूं उससे। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, जानता हूं मैं कि क्या प्रॉब्लम है, बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। प्रॉब्लम
बेटा, हम सब तुम्हारे बारे में बहुत परेशान हैं। तुम ये जिद छोड़ क्यों नहीं देते? मैं खुद अपने आप से बहुत परेशान हूँ। क्यों अज़ियत देते तुम अपने आप को? मुझे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है। मेरा कुछ नहीं हो सकता मम्मा, आपको क्यों समझ नहीं आती है? आप लोग मेरे लिए कोशिशें करना बंद कर दें। मैं खुद अपने आप से बहुत परेशान हूँ। गुस्सा आता है मुझे अपने आप पे, दिल चाहता है मारूं अपने आप को। उठते बैठते सोते जाते सिर्फ मैग नजर आती रहती है मुझे। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं ऐसा कभी भी नहीं था। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है? ना तुम्हें अपने खानदान की इज्जत की परवाह है, ना तुम अपने बारे में सोच रहे हो। आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में? इस लड़की में मैं हूं। मुझे लगता है कि मैं अपने साथ नहीं हूं। तो मुझे अपने साथ ले गई है, मुझे सुकून ही नहीं मिलता। जब तक मैं उससे मिल नहीं लूंगा ना, मुझे सुकून नहीं आएगा। मैं ऐसे परेशान रहूंगा। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, मैं उसे हर कीमत पर ढूंढ निकालूंगा। आपी उठे। हाँ आपी, चलिए मेरे साथ बाहर, जल्दी आए। क्यों, क्या हो गया? चले तो आप भाई, बोलो तो सही। इधर आए, आए। क्या हो गया तुम्हें? डराती हो? ज्यादा बातें नहीं करें, जल्दी आए मेरे साथ। आए इधर आए, आप ये देखिए, इधर आए, देखें तो सही आपी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमने तो ये सब तुम्हारी खुशी के लिए किया था कि तुम उदास हो? नहीं, मैं खुश हूँ। हेलो। हाँ, ऑर्डर रेडी हो रहे हैं। मैं हैदराबाद जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। तुम घर से ऑर्डर ले लेना, ठीक है? निधा बेटा जी, ये देखो मैंने ये इसमें पैक कर दिया। ये विदाउट चीज है, इसको विदाउट चीज लिख देना इसको। देखो हाँ, ठीक है, ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज एग्जाम नहीं था? है आपी, बस खाला जा रही ना हैदराबाद, तो काम बहुत ज्यादा है, उनकी थोड़ी हेल्प करवा रही हूँ। इसके बाद जाके मैं तैयार हो जाऊंगी। मैं हेल्प करवा दूंगी, तुम जाओ, कर लूंगी मैं सब। अच्छा ठीक है, इस वाले पे विदाउट चीज लिखना है और इस पे विद चीज लिखना है, ठीक है? और बाकी भी देख लीजिएगा, जिसमें चीज होगी उस पर विद चीज लिख दीजिएगा। मैं जा रही हूँ, गुड लक। ये सब करना जरूरी है क्या? हाँ, पापा ने कहा है जरूरी है। यार आपी, वो मेरे पीछे क्यों आएगा? नीता, तुम नहीं जानते उसे, वो कहीं भी आ सकता है। बस एहतियात करना जरूरी है।
गुड लक। अजीब सी मुसीबत है, सारी दोस्तें आज मजाक उड़ाएंगे मेरा कि निता अब बाहर में आ गई। कोई मजाक नहीं उड़ाता। अगली बार रास्ते में उतारने का प्लान हुआ तो टैक्सी के पैसे दे देना, मेरे बाप के नवाबजादा नहीं है और ना ही मैं नवाबजादा हूँ। वैसे हम लोग सुबह से यहाँ क्यों खड़े? क्योंकि गर्ल्स कॉलेज के बाहर मैं अकेला खड़ा बेवकूफ लगता है। हम दोनों तो जैसे बड़े समझदार लग रहे नहीं? तुम श्योर हो उसका सेंटर इसी कॉलेज में पढ़ा है? 100% श्योर है, यही कॉलेज। किसी भी हद तक जा सकता है वो आदमी। मेरी बेटी मासूम सी बच्ची है, उसके सामने आके खड़ा हो गया तो फिर डर जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी वो। नहीं बाबा, आप फिक्र ना करें, निदा खैरियत से घर पहुंच जाएगी। ये कैसी तेरी खुदगर्ज़ी। कहाँ जा रहे हो? ये गर्ल्स कॉलेज है। मुझे अंदर जाना, सामने सेटो। पागल तो नहीं हो गए? बताया ना तुम्हें ये गर्ल्स कॉलेज है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? अरे सामने से। शमशेर क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। वो अंदर गई है मेरे सामने, तेरा दिमाग खराब हो गया। सच बोल रहा हूँ। चल चल शमशेर, वो अंदर गई है, मुझे बात करनी है। गर्ल्स कॉलेज है, चल। अभी मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, आपी आपी वो बाहर आ गया, आपी कॉलेज के बाहर खड़ा है। वो कौन? शमशेर आ गया आपी, वो उसने मुझे पहचान लिया है। क्या, लेकिन कैसे? तुम्हें तो बुर्का पहना हुआ था ना? हाँ पता नहीं, मैं रिक्शे से उतरी तो वो मेरे सामने खड़ा हुआ था और पता नहीं आपी मुझे क्या हो गया, तो मुझे लग रहा है उसने मुझे पहचान लिया। तुम्हारा दिमाग खराब है नीता, तुम्हें मैंने कहा भी था रिक्शे से उतर के सीधा कॉलेज में जाना। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। आप एक काम करें, आप जल्दी से बाबा को भेजें, वो मुझे लेके जाएं यहाँ से। नहीं निदा, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। आई एम श्योर उससे तुम्हें नहीं पहचाना होगा, लेकिन अगर बाबा वहाँ आ गए तो वो तुम्हें लाजमी पहचान लेगा। फिर क्या करूँ आप? अभी तो प्लीज काम डाउन, कुछ नहीं होगा। तुम अंदर जाओ, अपना पेपर दो। जब पेपर खत्म हो जाएगा तो रश में सब लड़कियों के साथ बाहर आना और किसी भी रिक्शे में बैठ जाना, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं आप ही, क्या हो गया आपको? मैम ये नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल है, वो देख लेगा मुझे।
लिदा तुम्हें करना होगा, प्लीज हिम्मत करो। देखो कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। हेलो एक्सक्यूज मी, क्या चल रहा है यहाँ पे? आपके हाथ में सेल फोन क्यों है? एग्जाम चल रहे हैं ना, और पेपर स्टार्ट होने वाला है, चले क्लास में चले। क्या हुआ है? अमी शमशेर कॉलेज पहुंच गया। मैं तुम्हारे बाबा को बताती हूँ। क्या हुआ यार? नहीं मान रहा, मैंने उसको पैसे भी दिए, उसने पैसे वापस कर दिए। कह रहा नौकरी का मसला है। तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होता यार। हाँ नहीं हो रहा, और ये काम तो बिल्कुल नहीं हो रहा। बेहतर है कि तुम भी मत करो। और इसकी क्या गारंटी थी कि वो मैक की बहन ही थी? मैक की बहन ही थी वो, मुझे देख के रुक गई थी। जब मैं उसकी तरफ बढ़ा तो कॉलेज में भाग गई। मुझे उससे बात करनी है। ओ भाई ये तुम्हारी बाबा, तुम्हारे साथ मुझे भी ख्वार करिए। तुम अपनी फैमिली का स्टेटस देखो यार, किसने यहाँ देख लो कितनी बदनामी होगी। मेरी बात मानो, मेरे घर चलो, कुछ और सोच लेंगे। मुझे उससे बात करना है पहले। तो तुम बात करो, मैं जा रहा हूँ। चुपचाप यहीं बैठे रहो। कहाँ जा रहा हूँ? अरे वो वहां अकेली है, मुझे मुझे जाना चाहिए। बाबा प्लीज, वो आपको जानता है। अगर उसने आपको निदा के साथ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तो क्या छोड़ दूं बेटी को अकेला वहाँ? बाबा उसने निदा को नहीं पहचाना, निदा ने बुर्का पहना हुआ था। वो बस निदा थोड़ी कंफ्यूज होगी तो उसको शक हो गया उस पर। वापसी पे इतना रश होगा, निदा निकल आएगी, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। इरम बाजी और बख्तियार भाई भी शहर में नहीं, वरना उनसे कह देती वो चले जाते। बाबा, अब निदा कंफ्यूज नहीं होगी। वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है वो आदमी। मेरी बेटी मासूम सी बच्ची है, उसके सामने आके खड़ा हो गया तो फिर डर जाएगी, कंफ्यूज हो जाएगी वो। नहीं बाबा, आप फिक्र ना करें, निदा खैरियत से घर पहुंच जाएगी। तो दिल हौल रहा है, मुझे पानी पिला दो लाके। मैं पानी ला। ताओ यार, कैसे छोड़ दूं बच्ची को उधर। खत्म हो गया, सब लड़कियां पेपर देते हैं अपने। कम से कम नाम और रोल नंबर तो लिख दो इसको।
शमशेर अब क्या करना है? बाबा क्या हुआ? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए ना। हाँ बेटा, मैं भी परेशान हो रहा हूँ कि बहुत देर हो गई, अब तक वो क्यों नहीं आई? वो देखे, वो देखे। एक मिनट, अंदर ही रुको, अंदर ही रुको। शुक्र है दा। चलो बेटा, शुक्र है अल्लाह का। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? तुम्हें देखा तो नहीं उसने। चलो चलो, यहाँ नहीं खड़े हो, अंदर चलो। पता नहीं क्या हो गया था, आँख बिल्कुल सुन हो गया था, वो अचानक से मेरे सामने आ गया था। बेटा तुम्हें उसके सामने रुकना ही नहीं चाहिए था। एक मिनट के लिए तो मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैंने अबाया भी पहना हुआ है। मुझे बस लग रहा था कि वो मुझे उठा के ले जाएगा, और डर गई थी मैं अचानक। फिर मेरे पैरों ने मेरा साथ दिया और मैं फौरन कॉलेज के गेट के अंदर चली गई। मैंने आपसे कहा था अकरम, ये नहीं कर सकेगी, ये सब कुछ अगले साल दे देगी दोनों पेपर, मत भेजे मेरी बच्ची को कहीं पे भी। अम्मी ऐसे तो इसका साल जाया हो जाएगा। अभी साल मेरा वैसे भी जाया होगा, जो कुछ याद किया था सब कुछ भूल गई। पेपर में सिर्फ रोल नंबर लिखकर आई हूँ, वो भी टीचर ने याद करवाया तो। बाबा इस खौफ के साथ मैं पेपर नहीं दे सकती। अच्छा ठीक है बेटा, तुम मत दो इस साल पेपर्स। बाबा कब तक ये खौफ हमारे साथ रहेगा? आप पढ़ा नहीं सकते, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, निधा पेपर्स नहीं दे सकती, हम अपने घर में नहीं रह सकते। ऐसे तो एक दिन हम जिंदा भी नहीं रह सकेंगे। कोई और ऑप्शन है हमारे पास बेटा? मैंने तुमसे कहा था ना कुछ हासिल नहीं होने वाला, मेरी बात मानो, महक को भूल जाओ। नहीं भूल सकता, वो जमीन की सातवीं तह में भी छुपी होगी ना, अगर तब भी उसे ढूंढ निकालूंगा। तुम अपनी कोशिश जारी रखो, मुझे तो भूख लगी हुई है और मैं खाना खाने लगा। ये तुम्हारे लिए, बहुत टेस्टी है, खा के देखो। कोई आंटी घर में बनाती है, अम्मी ने तुम्हारे लिए स्पेशली ऑर्डर किया है। आओ ना। नहीं खाना मुझे यार। वो एप्लीकेशन का है, कॉलेज से दिलाया, ठीक है? कौन सी एप्लीकेशन, कौन सा कॉलेज? एप्लीकेशन मैक के बैंक के कॉलेज से तो लाए हो, दिखाओ कहाँ है वो? वो शायद, बोल ना, तुम्हारी गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी थी।
क्या हुआ शमशेर? मुझे लगता है महक मिल गई। महक मिल गई? हाँ। कहाँ? शायद महक उसी जगह पे जहाँ से ये बॉक्स आया है। मेरा दिमाग खराब है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। राइडर को बुला, उससे पूछ इस जगह का एड्रेस क्या है। मेरी बात तो सुन ले एक दफा। तू बुला रहा है या मैं बुलाऊं? मैं बुलाऊं, बुलाता हूं। लड़के ने तो जिंदगी अजीरन कर दी है। महक सही कहती है, इसका कोई हल निकालना पड़ेगा तुम लोगों को। आप बताएं ना रमा अम्मी, क्या हल है इस बात का, बताइए। लेकिन अम्मी आखिर कब तक ये सब चलेगा? आज नदा बाल बाल बच गई, लेकिन कल को अगर हम में से किसी को उसने देख लिया तो फिर क्या होगा? ये तो तुम्हें क्या लग रहा है, हम सब जो यहाँ आकर बैठे हुए हैं हमें अच्छा लग रहा है? सिर्फ तुम एक परेशान हो। अपने बाबा को देखा है, अंदाजा है वो कितने परेशान है? है अंदाजा मुझे अम्मी, इसीलिए कह रही हूँ। मेरी वजह से आप सब इतनी तकलीफ क्यों बर्दाश्त कर? अच्छा तो फिर क्या करें, छोड़ दें तुम्हें, या भूल जाएं कि हमारी को बेटी थी, या फिर उस लड़के से जाके तुम्हारी शादी करा दें? बोलो। मैं जाकर देख कर आऊं। आप बैठे, मैं देख। अल्लाह बहुत बड़ा है, कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। तुम परेशान होगी ना तो मजीद ये लोग भी परेशान हो जाएंगे।